नेपाल नाम का एक देश है, वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसके खेत में आए। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वह कैसे काम कर रहा है। राजा ने किसान से पूछा, इतनी मेहनत करने के बाद महीने भर में कितने कमा लेते हो? किसान बोला, 10,000 रुपये महाराज। और इस 10,000 को कैसा खर्च करते हो? महाराज, मैं पूरे पैसों के 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है, दूसरे हिस्से में अपना कर चुकाता हूँ, तीसरा हिस्सा मैं उधार देता हूँ, चौथे हिस्से से घर का खर्च चलाता हूँ और पांचवें हिस्से में हिस्सा मैं दान देता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा सोच में पड़ गई कि कोई व्यक्ति हर महीने उधार चुका सकता है। उन्होंने किसान से पूछा, जैसे तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक से घर का खर्च चलाते हो, यह बात तो समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्से वाली बात समझ में नहीं आई, ज़रा ठीक से मुझे समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो भी कुछ आज तक मेरे लिए किया वह मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है उसकी सेवा करने की, इसलिए एक हिस्सा मैं उनकी देखरेख पर खर्चा करता हूँ। इस तरह मैं उनका लोन चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है, आज उसके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, इस तरह मैं उसे उधार दे रहा हूँ। कल को जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता की करता हूँ, और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चुक गया। रही बात दान करने की, तो यह एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएंगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा, वह हमें छोड़कर दूसरे घर चल जाएंगी। इस तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूँगा दान समझकर करूँगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत चतुर है और हाजिर जवाब है। उन्होंने किसान को अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर लिया।